आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उस पर नोटिस जारी किया है प्लेंटिफ को, और यह कहा है कि जो अंतरिम आदेश 16/5 को वाराणसी अदालत के द्वारा दिया गया था कि जहां शिवलिंग पाया गया है उस शिवलिंग के एरिया को प्रिजर्व किया जाए, जो वुजू खाना है जहां की शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को कल जो जिला कचहरी वाराणसी है उस एरिया को उन्होंने सील किया था और उसको प्रिजर्व करने की इजाज़त जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहाँ पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे, और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था जहां शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। डीएम वाला कितने लिमिट में सर, कितने लिमिट के अंदर, क्योंकि 20 की लिमिट है कि जो एरिया जो 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 एरिया जिला कचहरी ने आदेशित किया है उस सारी एरिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको प्रोटेक्ट किया है। कितने लोगों को नमाज अदा करने के लिए बोला? नहीं, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, नमाज अदा करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो जो वुजू के लिए जो वो जिस एरिया का प्रयोग करते थे उस एरिया को कल वाराणसी के आदेश से सील कर दिया था, वहाँ वो वुजू नहीं कर सकते। तहखाने को लेकर भी कुछ नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है और जहाँ पे वो जो जलाशय था जहाँ की वो वुजू करते थे, जहाँ पे शिवलिंग था उसी एरिया में वुजू करते थे, वहाँ पे उसको सील करने का, प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी किया।